नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप अपना बेहद खास स्पेशल कार्यक्रम ज्योतिष जराहट के, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और आप सबके लिए एक बहुत सोचने की बात है। आपके लिए मैं जो जानकारी बताऊंगा वो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आप ऐसा सोच नहीं सकते, बट ये सच्चाई है जो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आप कहीं से गुजरते हुए अचानक आपको ऐसे आपने सांस लिया, आपने हाई ब्रीथ लिया, उस जगह से गुजरते हुए बार बार ऐसा हो रहा है। हर बार इस तरह से कुछ महसूस हो रहा है कि ये कुछ तो है, किसी न किसी रूप में ये बहुत सकारात्मक भी हो सकता है, बहुत नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन कुछ खेल है कहीं ना कहीं ये, और उसी जगह पे बार बार हो रहा है। आप गुजर रहे हैं, सांस क्यों, और अगर किसी की सांस ऐसे ही बार बार फूलती हो, कोई बीमारी सांसों की पकड़ने के मतलब पहले बीच में, ऐसा नहीं कि सांस की कोई बीमारी आ गई, यद्यपि मैं बीमारी को भी उसी दृष्टिकोण से लूंगा कि आपको ही ये बीमारी क्यों हुई, तो उसका भी कुछ ना कुछ इस प्रकार का प्रभाव है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति के जन्मांक में राहु सूर्य, ध्यान दीजिएगा, राहु और सूर्य छठे आठवें बारहवें और तीसरे से कहीं ना कहीं संबंध जरूर बना रहे होंगे। अभी उठाकर कुंडली देख लीजिए, आपको पता ना आपकी सांस हाई ब्रीथ लेते हैं आप, आपको आपकी सांस फूलती है। देखिए कुंडली, सूर्य राहु 6, 8, 12 तीसरे से, इसे बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये एक तरह से आपकी कुंडली के प्रेत बाधा योग के आरंभ होने का एक सिम्टम है, एक सिम्टम है कि आपकी कुंडली में प्रेत बाधा योग अब एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये जागृत हो रहा है, ये जागृत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन गई है, आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं अब घटने लगी हैं, आपके साथ कुछ स्थितियां ऐसी अचानक से आ जाती हैं और आपको परेशान कर जाती हैं पूरी तरह से, आप सोचते सोचते एकदम से आपके दिमाग में शून्यता आ जाती है कि ये क्या हो गया है, तो मित्रों ये आपकी कुंडली के शनि और राहु के साथ लग्नेश का पीड़ित प्रभाव है। प्रेत बाधा का एक बहुत बड़ा योग ये भी होता है कि आपका लग्न लग्नेश शनि और राहु से शत्रुवत पीड़ित हो, मतलब मकर और कुंभ लग्न नहीं पीड़ित हो सकता। मकर और कुंभ में वो पीड़ित है ही नहीं, शनि उसका बुरा चाह ही नहीं सकता, लग्नेश कैसे अपने लग्न, कौन होशो हवास में अपने घर में आग लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आ गए हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी बेटी अभी जस्ट अभी उसे पीरियड शुरू हुआ हो और इस तरह का दोष एकदम से सामने आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसी स्थिति का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसे बचा जाए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसी स्थिति में मूल तो यह है कि आप किसी के घर का भोजन आदि बिल्कुल भी ना करिएगा, अपने घर पर खाएं या बाजार से खरीद कर खा सकते हैं, किसी के घर जाकर खाने से थोड़ा सा आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा। आपको बहुत सावधानी के साथ एक बात का ध्यान रखना होगा, सिर्फ एक बात का, कि किसी भी नकारात्मक एनर्जी वाले व्यक्ति के, पुरुष के, महिला के संपर्क में आप कतई मत आइएगा।
बिल्कुल भी इस पर आपको ध्यान देना है, और जन्मांक का सम्यक विश्लेषण करवाकर पितृ ऋण के विषय में पता करें। आपके घर में अगर कोई अल्पायु में मृत्यु हुई है, कोई अग्निकांड हुआ है, तो ये प्रेत बाधा का बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है, बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है इसका। इससे बचने के लिए बस पितृ पक्ष आपके समक्ष है, बताने का उद्देश्य भी यही है कि आप सब कोशिश करें, जो 22 से 28 के मध्य हम आरंभ करने जा रहे हैं उसमें आप सबको फायदा हो सकता है, ऐसे पीड़ा से पीड़ित लोगों को फायदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में जाता है, मरने का ख्याल आता है, आईब्रोज के आसपास कट का निशान है, ये सब प्रेत बाधा। वैसे तो इस पर कुछ कार्यक्रम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज सिर्फ हम उसको रिकॉल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप ऐसी समस्या से पीड़ित हैं, तो आप जरूर सम्मिलित हो हमारे उस खास महायज्ञ में जो 22 से 28 सितंबर गया जी में हमारे साथ होने जा रहा है। आप सबको हम इनवाइट करते हैं, जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर आप गया जी अनुष्ठान लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास कॉल जाएगी, आप समझ सकते हैं और जरूर आएँ, जीवन को सुखमय बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे।